ये तो दिल तो पागल है कर डाले। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नेपाल की लैंग्वेज का किसी को पता नहीं है, इसलिए उसको ना वो कॉपी करते रहे हैं। हाँ, कि ताकि लोगों को पता क्या चलना, लोगों को पता चलना कि मेहनत असल किसकी है। सही बात है, किसी की मेहनत को अपनी मेहनत शो कराना ये गलत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नेपाल है, आपको लगता है कि वो भी कॉपी करता होगा किसी की? नहीं नहीं नहीं, उनका तो बहुत नाम है भाई, वो मुश्किल है भाई मेरे ख्याल में। अच्छा ना, वो नहीं मैं मान सकता यार, नेपाली कॉपी नहीं करते नहीं किसी की? नहीं करते। अच्छा, उनका तो शुरू का ही नाम बहुत रहा है भाई, रोज पे नाम रहा है। अगर चार गीत हैं तो तीन गीत उनने चोरी करके डाले हैं। अच्छा, कॉपी किए हैं? कॉपी किए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी म्यूजिक हो चाहे वो नेपाल का हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज, मुझे एक नेपाली भाई जिनका नाम संदेश है, उन्होंने मुझे ये वीडियो का लिंक शेयर किया है और बोला कि शेख भाई इस पे आप पब्लिक रिएक्शन लो। आपको ये तो पता है कि जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें जो ज़्यादातर हिट सॉन्ग्स है वो उन्होंने कॉपी किए हैं, कुछ नेपाल से कॉपी किए हैं, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से और कुछ हॉलीवुड से, ठीक है। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स थे उनको तो बंदों ने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है, लेकिन जो नेपाली लैंग्वेज है वो अलग होने की वजह से लोगों को आज तक पता ही नहीं चला कि भाई ये जो सॉन्ग्स हैं ये नेपाली सॉन्ग्स हैं और इंडिया ने कॉपी किए हैं। तो आज हम लोग भाई साहब इनका चट्टा पाकिस्तानी आवाम के सामने खोलने वाले हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, उससे पहले आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? चांद अली। अच्छा चांद भाई, आपको ये तो पता है कि इंडियन जो म्यूजिक इंडस्ट्री, उन्होंने दुनिया में जगह जगह से बहुत सॉन्ग्स कॉपी किए, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिखाने जा रहा हूँ जो इंडिया ने अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के चोरी किए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, दिखाऊं जी? दिखाओ। और उन्होंने बहुत से सॉन्ग्स नेपाल के चोरी किए, उसमें से कुछ जो सॉन्ग्स है वो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है जी? ठीक हो गए, चलें जी, वीडियो है जी स्टार्ट। ये नेपाली सॉन्ग है, सेम म्यूजिक लग रहा है ना? सेम ही लग रहा है, ये इंडियन ने इन्होंने चोरी किया। ये नेपाली सॉन्ग है, 2003 में रिलीज हुआ था ये, देखें ये लिखा हुआ है, ये भी कॉपी की गई है, ये नेपाली सॉन्ग है, इसको भी कॉपी कर लिया उन्होंने। सही 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 यार, इनको तो इनका तो बहुत हाई, इनके जो सॉन्ग वगैरह हैं लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ये देखें है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, लग रहा है ना? लग रहा है। ये 2007 में रिलीज किया उन्होंने, 4 साल बाद। नेपाली सॉन्ग है, 1994 में रिलीज हुआ था, ये भी इंडिया ने कॉपी किया, ये भी कॉपी किया उन्होंने, देखना। यार तो सुन सुना होगा यार, तो ये भी कॉपी किया उन्होंने इंडिया वाले, ये सर ये भी इंडिया वाले ने नेपालियों का कॉपी किया है। बड़ी बात है यार, ये तो आपने बिल्कुल इजाफा कर दिया, मैं कह रहा हूँ, बात का तो इलम ही नहीं था यार। अच्छा, बड़ी बात है यार, आप ये तो बड़े फेमस होंगे यार। हाँ ये बड़े फेमस होंगे, देख लो ये बहुत बड़े एक्टर हैं ये तो। बात है, ये इन्होंने नेपाल के कॉपी किए हैं सॉन्ग्स, आपको पता था इससे पहले? नहीं यार, मैं तो नहीं पता था पहले नेपाल के तो, मगर बहुत है यार, उनकी समझ तो नहीं आती मगर लैंग्वेज, मगर उनका तो बहुत हाई, उनका तो भाई नाम है। अच्छा म्यूजिक में? हाँ म्यूजिक में, और हालांकि दुनिया को बताना चाहिए कि ये कॉपी की गई है, मगर कि आपने बताया मैं अकल में इजाफा है कि ये कॉपी की गई है। सही बात है, तो इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बांग्लादेश के भी सॉन्ग्स कॉपी किए, हॉलीवुड के भी किए, पाकिस्तानियों के भी किए, हमारी तो मतलब लैंग्वेज सेम थी तो हमें पता चल गया, अभी नेपालियों की ये वीडियो मैं सामने आपके ले आया हूँ मैं। बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ इनको तो फिर कोई सॉन्ग ही नहीं होगा अगर ऐसी बात है तो, इन्होंने तो फिर सारे कॉपी किए हैं इंडिया वालों ने। बिल्कुल। अच्छा ये तो दुनिया को आप बता रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कॉपी किए सॉन्ग, इतने बड़े एक्टरों ने सॉन्ग किए वो। सही बात, और वो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की कॉपी की उन्होंने। सही बात, ये तो बड़ी बात है कि आपने कल में इजाफा कर रहे दुनिया के, मैं कह रहा हूँ दुनिया को पता होना चाहिए इस बात का, तो इलम होना चाहिए कि कॉपी किए जा रही है। सही बात है, ये सॉन्ग उन्होंने नेपाल के कॉपी किए। सही बात है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नेपाल है, आपको लगता है कि वो भी कॉपी करता होगा किसी की? नहीं नहीं नहीं, उनका तो बहुत नाम है भाई, वो मुश्किल है भाई मेरे ख्याल में। अच्छा ना, वो नहीं मैं मान सकता यार, नेपाली कॉपी नहीं करते किसी की? नहीं करते। अच्छा, उनका तो शुरू का ही नाम बहुत रहा है भाई, रोज पे नाम रहा है उनका। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? उमर। अच्छा उमर भाई, आपने ये तो सुना होगा कि जो इंडियन जो म्यूजिक इंडस्ट्री, उन्होंने हमेशा से पाकिस्तानी सॉन्ग्स को कॉपी किया, ठीक है, और क्रेडिट भी नहीं दिया, ठीक है। तो आज हमारे पास एक वीडियो निकल के आई है जिसमें पता चल रहा है कि भाई उन्होंने कुछ नेपाल के भाई सॉन्ग्स कॉपी किए और जो के बहुत हिट गए उनके, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। श्योर, चलें जी स्टार्ट।
2009 में हुआ था ये रिलीज, ये कॉपी है। ये इंडियन में कॉपी है, ये नेपाली सॉन्ग। ये म्यूजिक से आपको आइडिया हो जाएगा, आइडिया हो रहा है, वर्डिंग को नहीं समझ आ रहा बिल्कुल। ये 2003 में गाया गया था। देखो म्यूजिक भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, है ना बिल्कुल। वो जो है ना ट्यून तो वही है ना, जो जुबान है वो चेंज कर ली, हो सकता है वो वर्डिंग भी वही हो जो उधर। हाँ मे भी 100% होता है, जैसे पाकिस्तान के उठाते हैं तो वो 100%। ये सॉन्ग आप देखें जी 1994 में गाया गया था ये सॉन्ग। अभी आपने वो गाना सुना भी नहीं, फिर भी पता चल गया म्यूजिक से। ये इसका टाइटल सॉन्ग था, इस म्यूजिक का दिल तो पागल है। ये रही और ये हिट मूवी की चालू। हाँ बिल्कुल भाई, इधर से ज्यादा हिट हुआ था ये बंदा। इंडियन कुछ इधर से उठा लेते, कुछ नेपाल से उठा लिया, कुछ चाइना से उठा लिया, कुछ तेलुगु उठा लिया, कुछ तमिल से उठा लिया, जिधर से जो अच्छा मिला वो उठा के। सही बात है। तो वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आपको आज तक नहीं पता था कि ये जो दिल तो पागल है मूवी का जो ये सॉन्ग है हिट सॉन्ग, ये कॉपी किया होगा, आपको नहीं था पता? ये नहीं पता। और आज पता चल गया। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से गए, जो तमिल से वो उठाते चरबा करते हैं, जो चाइनीज से चरबा करते हैं या कोरियन चरबा करते हैं, लेकिन ये मैंने पहली दफा देखा। अच्छा। बल्कि इंग्लिश भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो ये चरबा करते हैं। हाँ, मतलब उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, क्रेडिट भी नहीं देते। अच्छा क्रेडिट नहीं देते? डेफिनेटली क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सब कुछ जम हो जाता है, कौन कॉपीराइट्स पूछता है। सही बात है। आपको लगता है कि ये जो मूवी का ये जो सॉन्ग था हिट, इसमें मतलब टाइटल में बताना चाहिए था या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना चाहिए था कि ये इधर से गाना लिया गया, आपको लगता है? डेफिनेटली बताना चाहिए, तो साथ मेंशन भी होना चाहिए कि ये कॉपीराइट्स है। सही बात, कॉपीराइट्स है और हमने उनसे परमिशन ली है, उनको बकायदा पे भी होना चाहिए। सही ये बात तो सिर्फ है। ये तो उनका उठा रहे हैं ना, सारा कुछ उठा लेते हैं। हाँ, सही जैसे बात पाकिस्तान है। का नुसरत फतेह अली का उठाते हैं, जी जी फतेह अली का उठाते हैं, जी जी बड़े ज्यादा सॉन्ग उठाए हैं पाकिस्तान से भी। बिल्कुल। अच्छा मुझे तो अच्छा एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि जो ये इंडिया है इन्होंने जो ज्यादा बॉलीवुड के जो हिट सॉन्ग गाए हैं वो कॉपी गाए होंगे, आपको लगता है? 50-50 है, कुछ उनके भी बहुत अच्छे हैं लेकिन आधे तो उठाते हैं ना इधर। अच्छा मतलब कॉपी करते हैं पूरे वर्ल्ड से। हैं उनके भी बहुत अच्छे हैं लेकिन वो फिर इधर से भी बहुत उठाते हैं, सब कॉन्टिनेंट है, उर्दू है, कुछ लहजे सेम है, कुछ हमारी ट्यून सेम है, तो वो फिर सारा उठाते हैं वो। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सो गाइस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि शेफ भाई हमें कंटेंट क्रिएटर बनने का शौक तो बहुत है लेकिन हमारे पास डिवाइस नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। जो लोग मुझे कमेंट करते थे कि शेफ भाई आईफोन का यार गिव अवे रख दो यार, आईफोन दे दो यार, तो आपको ये स्क्रीन पे चैनल नजर आ रहा होगा संदेश भाई का, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। इन्होंने जस्ट 5K सब्सक्राइबर्स पे भाई 13 प्रो मैक्स का गिव अवे रखा है भाई, जो कि भाई आप लोगों के लिए नामुमकिन नहीं है। अभी आपने करना क्या है, जो लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है उस पर आपने क्लिक करके इनके चैनल पे जाना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इनकी जो लास्ट वीडियो है, लास्ट अपलोडेड वीडियो है, उसके नीचे कमेंट करना है सब्सक्राइब डन। 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे संदेश भाई की टीम जिन्होंने कमेंट किया होगा उनकी एक स्पिन मारेगी जिसमें भाई जो विनर होगा उसको दिया जाएगा 13 प्रो मैक्स। तो भाई साहब इंतजार किस चीज का है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इम्तियाज अहमद कौकब है। क्या पेशा सर क्या आपका? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं माशाल्लाह। अच्छा सर ये तो आपको पता होगा कि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तानी सॉन्ग्स कॉपी किए हैं, ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसी एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के सॉन्ग्स भी कॉपी किए, ठीक है, दिखाऊं सर? दिखाएं। चलें जी स्टार्ट है जी। लैंग्वेज का फर्क है ना इनका, ये कॉपी किए हैं, ये असल है। नहीं नहीं ये कॉपी किए उन्होंने, ये ओरिजिनल आ गया। अगला सॉन्ग म्यूजिक पे भी गौर करिएगा, अगला सॉन्ग आएगा वो कॉपी किया होगा। दो हजार तीन में अपलोड हुआ था ये मेरो मन। देखिए म्यूजिक भी मिल रहा है, मिल रहा है ना, ये 2007 में आया था। सही उन्नीस
1994 में आया था ये ओरिजिनल है। ये कॉपी है जी, बहुत फेमस सॉन्ग है। ये सॉन्ग सुना हुआ पहले? ये सुनो, ये भी देख लो इन्होंने कॉपी किया है। हाय हाय। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आज तक आपको ये पता था कि ये जो नेपाल के ये जो सॉन्ग्स हैं इन्होंने हिट सॉन्ग्स हैं ये बॉलीवुड के सारे, आपको पता था कि ये इन्होंने नेपाल से चोरी किए? नहीं बिल्कुल मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मुझे ये पता है कि इंडियन जो हैं इनके कंपोज़र जी जी उन्होंने हमेशा अपनी हर मूवी में जी जी अगर 4 गीत हैं तो 3 गीत उन्होंने चोरी करके डाले हैं। अच्छा, कॉपी किए हैं? कॉपी किए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी म्यूज़िक हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे श्रीलंका का हो। अच्छा। चाहे मालदीव का हो, चाहे बांग्लादेश का हो। अच्छा। और फिर इन 70 सालों में इन्होंने पाकिस्तान के सैकड़ों गीत चुराए हैं। सही बात है। अच्छा, एक चुराना है कि कंपोजिशन चुरा ली, एक एक है लिरिक्स भी वही है। अच्छा। और धुन में छोटा मोटा फर्क डाल के अगर हमारा गाना थोड़ा सा कंपोज किया स्लो है तो उन्होंने उसमें थोड़ी सी झनकार डाल ली और उसको जरा पॉप म्यूजिक करार दे दिया। जी बिल्कुल। मैं मसलन आपको बताता हूँ, हमारी फिल्म है नजराना। अच्छा। और उसके गीत गाए हैं, बड़ा मारूफ गीत है, मेहदी हसन जी जी और नाहिद अख्तर की आवाज में है। जी जी बिल्कुल। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। आपकी आवाज वैसी आप निकाल रहे हैं। अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। वाह वाह, ये भी चोरी किया सर उन्होंने? ये चोरी किया। किसने किया चोरी? ये चोरी किया जी, कंपोजर है मेरे ख्याल में बप्पी लहरी है शायद। अच्छा। या शायद वो आदेश होंगे, आदेश। तो आदेश ने इसकी कंपोजिशन चुराई। अच्छा। और उदित नारायण जी 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 उदित नारायण और अलका याग्निक ने ये गाया दिया। हाँ, और आपको पता ही है उदित नारायण सर ये नेपाल से हैं। ये भी नेपाल से हैं, आप देखें देख ले। वो उसमें इन्होंने थोड़ा सा उसको तेज करके सुनील शेट्टी पर और प्रिया गिल पर इसने इन्हें फिल्मा दिया। तो ये आज के म्यूजिक के चोर नहीं है। अच्छा, ये सदियों पुराने चोर। अच्छा, और भी काफी नुसरत साहब के भी इन्होंने सॉन्ग गाए हैं। नुसरत फतेह अली खान के, मेहदी हसन खान साहब के, गुलाम अब्बास के, नूर जहां के, इन्होंने वो हमारे राहत फतेह अली खान के जी जी। मतलब पाकिस्तान के जितने हमारे सीनियर जी जी और सीजनड गुलूकार, सीनियर और सीजनड कंपोजर जी जी, उनकी कंपोजिशन इन्होंने चुराई भी है। अच्छा। और फिर बड़े सलीके से अपनी मूवीज का उन्हें हिस्सा भी बनाया है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहसन। अच्छा अहसन भाई, आपको ये तो पता है कि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान के सॉन्ग्स कॉपी किए हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज मिलती है तो इसलिए हमें पता चल गया। लेकिन लोगों को ये नहीं था पता कि भाई इंडिया ने नेपाल के भी, अपने नेबर कंट्री के भी सॉन्ग चोरी किए, और लोगों को पता ही नहीं है यार, ये ज्यादती है कि नहीं? ज्यादती बहुत बड़ी ज्यादती है। ये ज्यादती है ना, मतलब उनका क्रेडिट इंडियंस ले गए, ठीक है, मेहनत उनकी थी। ऐसी बात है, सारी बात उनकी जबान का किसी को पता नहीं है ना। हाँ, जब उनकी जबान का लोगों को पता हो कि क्या कह रहे हैं, कर कह रहे हैं, फिर अगला बंदा सुनता है। हाँ, चलो अभी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि जो नेपाली सॉन्ग्स है वो इंडिया ने कॉपी किए, ठीक है? ठीक हो गया। चले जी, वीडियो है जी स्टार्ट, ये नेपाली लैंग्वेज में, ये उन्होंने कॉपी किए इंडिया वालों। आपको भले लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही, म्यूजिक की तो समझ आ रही ना, देखना म्यूजिक भी सेम है उनका। अभी देखना अगला जो सॉन्ग इन्होंने कॉपी किया वो सेम म्यूजिक भी उसका सेम। बीट थोड़ी सी अलग करके वही कॉपी कर ली है, बीट को चेंज किया, बेस अगर ऊपर नीचे किया, बस के आगे से थोड़ा चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाए। वो 2003 में हुआ था रिलीज, ये 2007 में हुआ।
ये 1994 में हुआ था रिलीज ये सॉन्ग। चौ नह ले ले त्यो डड़ पारी माया बोकेरा, ये उसी सॉन्ग का मतलब कॉपी है। नहीं ये ओरिजिनल है, ये नेपाली है, ये नेपाली को मतलब क्या उन्होंने कॉपी की हुई है। इसके ऊपर भी सॉन्ग आया इंडियन, वो अब सॉन्ग भी आगे आएगा। उन्होंने काफी सॉन्गों के ऊपर कॉपी की हुई है। देखो अरे भोली सी सूरत, यही सॉन्ग है, उतार उन्होंने किसी ने कॉपी वगैरह नहीं किया। ये सॉन्ग तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है ये, बहुत ज्यादा चल में छुप जाए, बचपन की मूवियां सारे देखते रहे। लेकिन आपको ये नहीं था पता कि ओरिजिनल मेहनत ये नेपालियों की, नहीं पता था ना? नहीं, ये बात तो है कि हमें चीजों का अक्सर नहीं पता लगता। वो इंसान पहले देखे कि पहले किसने डेडिकेट किया था, किसने अपना पोस्ट किया अपनी आईडी पे या अपनी यूट्यूब प्रोफाइल पे, किधर उसने सबसे पहले पोस्ट किसने किया। सही बात है, अक्सर हमारे पाकिस्तानियों की कुछ चीज़ें जो कॉपीराइट में आ जाती हैं, ठीक है। इंडिया सेम इसी तरह हमारे पहले मतलब के मुख्तलिफ गानों की कॉपी करती हैं, बेस की, बीट की, उसके बाद जो म्यूजिक होता है अंदर थीम वगैरह इसके लगते हैं मुख्तलिफ इसके अंदर भी, पहले इनको कॉपी करते हैं। चलो हम तो वो समझते रहे, चलो हम सयाह मुल्क करते रहे, शरारते इनकी आदत है शुरू से। अब ये नेपाल की लैंग्वेज का किसी को पता नहीं है, इसलिए उसको ना वो कॉपी करते रहे हैं ताकि लोगों को पता क्या चलना, लोगों को पता चलना कि मेहनत असल किसकी है। सही बात है, किसी की मेहनत को अपनी मेहनत शो कराना ये गलत है, गलत कामयाबी का रास्ता नहीं होता। आपको वैसे नहीं पता था कि ये सॉन्ग इन्होंने कॉपी किए हुए? नहीं, ये आज मालूम हुआ, ये आपकी मेहरबानी है जो आपने हमें दिखाया कि कदम की असल ये इन्होंने पहले कॉपी किए हुए हैं। आप जो नेपाल के सॉन्ग है ना, आपको लगता है कि ये मैंने ठीक किया कि लोगों को बताया कि ये नेपाली सॉन्ग है? जिनका मतलब के राइट बनता है, जो जिनकी मेहनत है उनको इसका हक मिलना चाहिए। हर दूसरा बंदा इस तरह किसी का तो हक मार लेगा कि अगर मैं आपकी कॉपी करने लग पड़ूंगा तो आपको तो लोग नहीं जानेंगे, मुझे जानने लग पड़ेंगे। उन्होंने कहना ये कौन है, इनकी उनकी लैंग्वेज का लोगों को नहीं पता। ये गलत तरीका है कि किसी की आप चीज को कॉपी करें आप। सही बात है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, बहुत चार्ट है जी, ये ओरिजिनल सॉन्ग था, ये कॉपी किया हुआ है, जन्नत में खोने दे, ये नेपाली सॉन्ग आगे आधी बने रोक्सो बादल बने रोक्सो। समझ नहीं आ रही, म्यूजिक तो समझ आ रहा है ना, म्यूजिक अच्छा है इनका, म्यूजिक वैसे पाकिस्तान से भी इंडिया से भी अच्छा है। अच्छा, ये कॉपी किया जी उन्होंने इनका। जब से मिला है जाना, जीना है क्या ये जाना, तू मुझसे जब से जुड़ा है जाना। ये सॉन्ग है जी, ये ओरिजिनल सॉन्ग है, आगे 1994 में ये गाया गया था। जाओ नह ले ले त्यो डड़ पारी माया बोकेरा, जाओ नह ले ले त्यो डड़ पारी माया बोकेरा, माया को गाठो कैसे रवा दो मुटु जोड़ रा। ये तो सुना होगा आपने सॉन्ग, आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, आए हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। चलें जी। अच्छा, ये जो दिल तो पागल है मूवी का जो सॉन्ग इन्होंने, मतलब जो ये वाला सॉन्ग इन्होंने कॉपी किया नेपाली सॉन्ग जी को कॉपी करके बनाया है, आपने वो नेपाली सॉन्ग तो नहीं सुना होगा ना? नहीं सुना ना। वैसे YouTube पे म्यूजिक वगैरह सुने हैं उनके, अच्छे म्यूजिक। किन के? नेपाली। अच्छा, नेपालियों के अच्छे होते हैं म्यूजिक वगैरह, अच्छा उनका। तो आपने वो सॉन्ग तो नहीं सुना होगा, लेकिन ये दिल तो पागल है मूवी वाला सॉन्ग तो सुना है आपने ना? जी सुना है। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया ना कि ये इन्होंने नेपालियों का चोरी की है? जी, ये तो आपने बता दिया, अब बाकी आम को भी पता चल जाएगा कि इन्होंने नेपालियों का वगैरह चोरी किया, पाकिस्तान के भी बड़े चोरी किए इंडिया वालों ने, और अब नेपालियों को भी शुरू कर दिया इन्होंने काम। काफी देर से चोरी इन्होंने किए हुए थे ये सॉन्ग, कॉपी किए हुए थे, लेकिन पता आज चला है लोगों को, और आज हमारी वीडियो के थ्रू हम भी बताएंगे लोगों को। मुझे भी आज ही पता चला वैसे। अच्छा जी, हाँ चले जी, बिल्कुल सर। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपको तो दिखाया है जी, आपको दिखाया कि ये नेपाल से भी इन्होंने चोरी की है। तो इन्होंने पूरी दुनिया इंग्लिश गाने बड़े चोरी किए इन्होंने। अच्छा, ये चोर है? ये चोर है और बड़े पुराने चोर है। अच्छा, ठीक है। आपको लगता है कि ये जो सॉन्ग चोरी करते हैं, अगले को कॉपी करते हैं, अगले को क्रेडिट भी देना चाहिए, कॉपीराइट का वो बताना भी चाहिए कि हमने कॉपी किया, बताना चाहिए? नहीं 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 नहीं, क्रेडिट अगर देंगे तो फिर तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, राज खुल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो गाइज ये थी जी आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो, और यार मुझे ये लग रहा है कि
60% जो नेपाली, उनको भी नहीं ये पता होगा कि भाई ये जो सॉन्ग्स इंडिया ने गाए हैं भाई, ये नेपाली सॉन्ग्स को कॉपी करके गाए, उनका म्यूजिक चोरी किया है। बाकी कमेंट में बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ज्यादा लोगों को पता चले कि भाई इंडिया ने ये सॉन्ग चोरी किया नेपाल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।